नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, नई सरकार का गठन हो गया और नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात देखने को यह मिली कि जहां अभी तक जदयू जो है वो बड़ी भाई की भूमिका में थी, यानी कि उनके सीटों की संख्या हमेशा ज्यादा रहती थी, वो 2020 के चुनाव में कम हो गई और वो मात्र 43 पर सिमट के रह गए। तो वही बीजेपी जो अभी तक छोटे भाई की भूमिका में थी, वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई। 74 सीट जीतकर बीजेपी ने अपने बहुत सारे जो सीट होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, उस पर अपनी दावेदारी ठोक रखी है। आपको बता दें कि कमिटमेंट था बीजेपी का कि अगर कितना भी सीट जीते, अगर सरकार एनडीए की बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस पर बीजेपी ने कायम रहते हुए नीतीश कुमार को सातवीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में अपना सहयोग किया। तो वही बीजेपी जो है अपने लेवल पर काफी परिवर्तन कर रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को ये मिला कि सुशील कुमार मोदी, जो कि एनडीए में एक चेहरा हुआ करते थे और साथ में नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम रहे जब तक एनडीए का शासन रहा, उन्हें बदल दिया गया। उन्हें विधान परिषद में आचार संहिता का अध्यक्ष बना दिया गया। वही बात करें, पिछली कैबिनेट में प्रेम कुमार एक बड़ा स्थान रखते थे, उन्हें कोई मंत्रालय अभी तक नहीं दिया गया है। वही बात करें हम नंद किशोर यादव, जिनके बारे में चर्चाएं थी जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अभी जो सूत्रों से खबरें मिल रही है उसके मुताबिक नंद किशोर यादव का भी पत्ता कट सकता है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष अब नए हो सकते हैं। और इस नाम में सबसे आगे जो चल रहे हैं वो विजय कुमार सिन्हा है, जो कि आपको बता दें हम कि लखीसराय से बीजेपी से विधायक चुन के आए हैं। पिछली सरकार में वो श्रम संसाधन मंत्री थे और इस बार उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने की मांग चल रही है, बातें चल रही है। और इसका कारण है बीजेपी के जो आंतरिक सूत्र हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के गठन होने के बाद दो डिप्टी सीएम जो है बीजेपी कोटे से बने, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, दोनों पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सवर्ण जो वोटर हैं वो उनसे नाराज हो जाएं या सवर्णों के बीच में एक मैसेज जाए कि ये पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जो जाति है उनकी ही सिफा। तो बीजेपी को एक डर है कि कहीं समाज में ये मैसेज ना चला जाए कि जो नई सरकार आई है वो पिछड़ी दलों की ही है। तो ऐसे में सवर्ण जो वोटर हैं, सवर्ण मतदाता हैं, उनको साधे रखने के लिए, उनको अपना विश्वास में रखने के लिए ये एक नई जो आजमाइश की जा रही है कि विजय कुमार सिन्हा, जो कि भूमिहार जाति से हैं, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए और ऐसे में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी सबकी पार्टी है। तो अब देखने वाली बात है नंदकिशोर यादव, जिनकी दावेदारी विधानसभा अध्यक्ष पर बहुत मजबूत मानी जा रही थी, ऐसे में उनका पत्ता साफ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली है इस चुनाव के बाद कि बीजेपी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल में चेंजिंग कर दिया, जो बिहार को अभी तक बिहार का चेहरा माने जाते थे उन सभी को साइड किया जा रहा है और नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। वही अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन की तरफ से भी ये विचार चल रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की जाए और इसके लिए काफ़ी अहम बैठक जो है आज शाम राबड़ी आवास पर शाम को 5 बजे किया जाएगा और उसमें विचार किया जाएगा कि अपने उम्मीदवार खड़ा किए जाए या ना किए जाए, किए जाए तो किनको किया जाए। तो अब देखने वाली बात है कि बिहार में नया विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिल रही हैं कि नंद किशोर यादव, जिन्हें अभी तक मानकर चला जा रहा था कि वो बिहार के नया विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, यानी कि उन्हें भी किसी समिति में या किसी और जगह भेज दिया जाए, लेकिन उन्हें विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, ऐसी खबरें आ रही हैं। विजय कुमार सिन्हा इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और उन्हें जो है बिहार का नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि इस फैसले का बीजेपी में कितना स्वागत होता है, लोगों में कितना स्वागत होता है, और बीजेपी जो एक तरह से कहें तो अपने बिहार बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक पर चल रही है, उसका रिएक्शन देखने को क्या मिलता है। तो हमारी जो है नज़रें बनी हुई हैं, आप जुड़े रहिए एचएस बिहार के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।